कुछ करिए नस नस मेरी खाने अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खाने अब कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए कोई तो चल जिद फड़िए डूबे तरिए या मरिए होए कोई तो चल जिद फड़िए डूबे तरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया ऊंचों में गलियों में राशन की फलियों में बेलों में बीजों में ईदों में तीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में हुंकार आज भर ले दस बारह बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी कितना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए कोई तो चल जिद फड़िए डूबे तरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए डूबे तरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया इसको जवाब दो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडे टू फ्राइडे भैया जी कहीं करता हूं और सैटरडे को आज देश को जवाब दो और यहीं पर उसी फॉर्मेट में उसी तमाम सारे लोगों के बीच में आज सैटरडे बहुत सारे लोग मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हमारे सारे मेहमान मौजूद हैं उनसे भी तारुफ उनसे भी परिचय कराऊंगा लेकिन कुछ लोग जो आज खासतौर से बातचीत के सिलसिले से जुड़ेंगे मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कहां से हैं आप साहब From Afghanistan. Afghanistan. क्या नाम है इनका नाम नियाज नियाज और इनका मलीना मलीना और मम्मी भी साथ आई हुई हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम मीना मीना बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत सारे लोग कहाँ से हैं आप सर फरीदाबाद हरियाणा बहुत दूर से आ गए हैं आप एक, एक एक आ रहा है अफगानिस्तान से एक बगल में फरीद हाँ जी कॉलेज से आ रहे हो एनआईटी कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं हाँ जी घर आए थे सर घर जा रहे थे घर मतलब कहाँ बल्लभगढ़ फरीदाबाद फरीदाबाद तो आज इधर से जा रहे थे हम मालूम चला आपका शो यहाँ पर इसलिए सर आने रुक गए क्या बात है बहुत अच्छी बात पानी वानी पिलाएं तुमको नहीं सर बस क्यों नहीं पानी पिलाओगे भाई का भाई साहब दीजिए शर्मा जी पानी दीजिए लो बेटा पानी लो और क्या और आप कहाँ से आ रहे हैं जॉर्डन मैं इलाहाबाद से इलाहाबाद से मैं समझ गया था इलाहाबाद से इलाहाबाद का मतलब ये जो सारे लोग करें वो करेगा नहीं इलाहाबाद जब सारे लोग मास्क लगा रहे थे तब नहीं लगा रहे थे ये और आज जब सारे लोग मास्क उतार चुके हैं तो ये लगाए हैं मास्क क्या नाम है आपका आदर्श मिश्रा समझ गए थे तुम यही इलाहाबाद प्रयागराज को इलाहाबाद नहीं प्रयागराज है प्रयागराज हो गया ना कान खींचो इनके कस के इलाहाबाद प्रयागराज क्या काम करते हो पढ़ाई करता हूँ हाँ समझ गए पढ़ाई भी कैसे कर रहे होंगे जब सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तब ये नहीं कर रहे थे बहुत अच्छे और आप कैसे आ गए अपना तुम्हारी भी नशा ये लग गया है यहाँ पे कनॉट प्लेस वाला आप चीज ही ऐसी हो बिल्कुल सोच समझ के बोला करो आओ जी नमस्ते कैसे हैं आप बस मजे में हूँ कैसे आना हुआ जी कर्नाटक से आ रहा हूँ कर्नाटक से हाँ जी अच्छा अच्छा सारा लोग आपको देख गया रुक गए कुछ भी खास बात आज चलने वाली है उस खास बात में शामिल होने के लिए तो आपके साथ आ गया चल बहुत अच्छी बात है मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ पूछ पाछ के फिर मैं आपको रवाना क्योंकि धूप भी है गर्मी भी है सब लोग आए क्या नाम है इनका ये मेरा पोतरा है जी नमस्ते पूरा परिवार है लाओ भाई पानी की बॉटल लाओ जल्दी से फटाफट लाओ और लाओ ये छोटे पोते में क्या होगा जो भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच मैं आपसे भी पूछता हूँ कुछ बातचीत करता हूँ आप लोग कहाँ से हैं कानपुर से अरे क्या बात है कानपुर के कल वो शख्स आए थे और उन्होंने निवेदन किया था कि उनके टीचर बहुत बीमार हैं कैंसर के पीड़ित हैं आज
उनका दोपहर में मैसेज आया कि वो टीचर नहीं रहे। उन्होंने कलेक्शन के लिए कहा था, पैसे के लिए बात कही थी, लेकिन निश्चित तौर से वो लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जरूर करें, क्योंकि परिवार रह जाता है, छूट जाता है और एक बहुत मुश्किल के दौर से गुजरता है। और मैं तो आ रहा था आपके पास, आप तो चले गए। अरे जनाब यहाँ ये, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, मैंने देखा कौन शख्स खड़ा है, बड़ा सुंदर सा जी। क्या नाम है आपका? एमडी शहबाज। एमडी शहबाज जी। शहबाज जी क्या काम करते हैं आप? मेरा भी स्टडी चल रहा है और म्यूजिक भी चल रहा है, मॉडलिंग भी चल रहा है। म्यूजिक भी चल रहा है, मॉडलिंग भी चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से। बिहार का ही आदमी इतना मल्टीफेसेट हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक भी चल रहा है ना जनाब, म्यूजिक भी चल रहा है, मॉडलिंग भी चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है, बिहार का ही आदमी कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है सर। बरोबर है, है ना जी, वो सबके बस की बात नहीं है, वो सब वही तो मॉडलिंग भी करनी है। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देख के, थोड़ा सा और थोड़ा सा काम वाम करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे और इंशाल्लाह बहुत तुम्हें तरक्की मिले, बहुत अच्छा। और आप कहाँ से हैं? बिहार से। इन्हीं के साथ रहते हैं? वो पता चल गया, बाल से। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूँ, परिचय करा देता हूँ। आज कवि जी, कविवर आर पी शर्मा साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विदिशा से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अनुजा कपूर बहुत शो में शरीक होती रही, आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनुजा। आज हमारे साथ शरद कोहली इकोनॉमिस्ट है हमारे साथ। कल सवाल हो रहे थे महंगाई पे, महंगाई के मुद्दे पर तमाम सारी बातें थी और आज मैंने उनको बुलाया, खासतौर से शरद जी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ विकास जी हैं जो शेरसेना के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुलाब किसके लिए लाए हो? छत्तीसगढ़ की हमारी टीम है जो शेरसेना की तरफ से आपके लिए गुलाब लाई है, छत्तीसगढ़ से आए हैं सर। वैष्णो देवी गए थे और अभी क्या है कि वैष्णो देवी गए थे और रास्ते में भैरव मिल गए हैं। गए थे वहाँ पे वैष्णो देवी और रास्ते में ये भैरव का स्थान है, ये भैरव का ही स्थान है ना। जय हो, जय हो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ गए वो अफगानिस्तान वाले? चले गए, चले गए। अच्छा, ये आपके लिए मैम, ये आपके लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और जो आज का मुद्दा है, जिसको अपनी बात कहनी है वो कहेगा बीच बीच में, लेकिन जो हाँ हाँ आज बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, जरूर। लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी ने आज एक किताब के का जब विमोचन कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन पर जो कब्जा है वो आरएसएस के लोगों का है। लिहाजा उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन जो है ढंग से नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन ढंग से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी ने हमें हथियार तो दिया, मगर वो हथियार अब कोई काम का नहीं रह गया, राहुल जी कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है, नेताओं के ऊपर वो जो पेगासस है उससे कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बहन मायावती जी चुनाव नहीं लड़ी, हालांकि बहन जी चुनाव लड़ी और बहन जी ने भी अभी थोड़े दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन राहुल जी ने कहा कि मैंने मैसेज दिया उन्हें, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और वो ये कहती हैं, वो कहते हैं राहुल जी कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? इसका इशारा वो ये कहते हैं कि तमाम नेताओं, राजनेताओं को कंट्रोल किया जा रहा है, इशारा आप जानते हैं। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, सबसे पहले अनुमा आपसे बात करेंगे कि राहुल जी आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। जी शुक्रिया, खड़े रहिए जी। आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पता है, द दलित ट्रूथ का अनावरण था जी, और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो दलितों को और अधिकार देने के बारे में, उनकी हिम्मत बढ़ाने के बारे में बात कर रहे थे। राहुल जी ने ये बताया कि जब वो 96-97 में इंग्लैंड में एक कंसल्टेंट थे और तब जब वो भारत आते थे, पहले तो वो भारत में पढ़े, लेकिन जब वापस आते थे तब उनको भारत का वो नजरिया दिखा जिसमें एक परिवार, एक दलित, उसको लोग उसको अलग बर्तन में खाना देना चाहते हैं, उसे छूना नहीं देना चाहते हैं, और ये उनके समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने जो आज कहा उसका अर्थ ये था कि कांचीराम जी ने खून और पसीना लगाकर जिस तरह से दलितों को एक बड़ा फोरम दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, तो उस प्लेटफॉर्म को बनाए रखना था, उससे डरना नहीं है, क्योंकि दलितों के निडर होने का किस बात का है? नहीं, डर किस बात का है? मैं आपको बताती हूँ, मैं आरएसएस के स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी हूँ
और वहाँ पर जो जिस तरह से ब्रेन वॉश हुआ है, शुरू से आखिरी तक 11 साल पढ़ी हूँ मैं, पर 25 साल मैंने देश की सेना में काम किया है। मैं भारतीय वायुसेना के पहले लॉजिस्टिक्स बैच की अधिकारी हूँ और मैं ये युवा पीढ़ी को भी कहना चाहती हूँ कि ये बात समझे कि कांग्रेस ने हमारे दिमागों को इतना सशक्त बनाया था कि जब कांग्रेस ने गलत किया तो हमने उसे धक्का दे दिया, लेकिन जब आज बीजेपी हमारे दिमागों को इस कदर डरा रही है, कहीं कहीं पर सीबीआई का जो नेताओं के साथ सीबीआई की बात होती है, ईडी का कब्जा होता है, पेगासस है, और बाकी लोगों को ये कि हम नहीं रहेंगे तो देश का पाकिस्तान के पास चला जाएगा, कैसे चला जाएगा इस देश के, इस देश ने 1947 से, मैं लॉजिस्टिक्स अधिकारी रही हूँ, जहाज खरीदती थी, 1947 से 2014 तक हमने 1700 से ज्यादा जहाज खरीदे हैं भारतीय वायुसेना के लिए, लेकिन तब से लेकर 8 साल में हमने सिर्फ 36 जहाज खरीदे हैं, और आप लोगों को कहा गया कि सेना अब मजबूत हुई है, ये सारी झूठ बातें हैं। हल्ला क्यों मचाते हो? तुम्हारा ही सब गड़बड़ है, तुम्हीं लोग हल्ला मचा रहे हो आजकल। नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी, मुझे मालूम था कहाँ बहुत देर तक थोड़ी ना बैठेंगे यार।